दोस्तों नितिन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेडमी नोट 5 के बारे में और रेडमी नोट 5 प्रो के बारे में। ये दोनों फोन्स इंडिया में लॉन्च हो गए हैं और बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में और क्या क्या इस फोन के स्पेसिफिकेशंस हैं उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे रेडमी नोट 5 के बारे में। यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। एक आपको 3GB रैम के साथ 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है और इस फोन का जो प्राइस है वो 9,999 रुपये, और इसका जो दूसरा वेरिएंट है 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज, इसका जो प्राइस है वो 11,999 रुपये है। दोस्तों बात करें इसके फीचर्स के बारे में तो आपको 5.99 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 18:9 के एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले होगा। इस फोन में जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन का 625 मिल जाता है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा, और जो कैमरा है वो आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाएगा और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का। इस फोन में 4000 mAh की बैटरी भी दी गई है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो फोन काफ़ी अच्छा है और प्राइस और फीचर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं Redmi Note 5 के बारे में, जो इसका प्रो वर्जन है Redmi Note 5 Pro। तो इसमें आपको 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है जो आपको सेम मिल रहा है Redmi Note 5 में, और यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया है वो आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर जो कि 1.8GHz का होगा। तो यहाँ पे अगर GPU के बारे में बात करें तो 509 का GPU दिया गया है। इस फोन में जो कैमरा है इसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एक आपको मिलता है सेंसर 12 मेगापिक्सल का और जो दूसरा सेंसर है वो आपको 5 मेगापिक्सल का मिल जाता है पीछे की तरफ, यानी कि रियर कैमरा है। यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का जो कि काफ़ी अच्छा है फ्रंट कैमरा, और जो सोनी का सेंसर इसमें दिया गया है फ्रंट कैमरा में यूज़ किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो इसके वेरिएंट है इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। एक आपको 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है, और जो इसका दूसरा वेरिएंट है इसमें आपको 6GB की रैम मिल जाती है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे 4GB जो रैम है इसका जो प्राइस है वो 13,999 रुपये है, और इसका जो 6GB रैम वाला प्राइस है इसका है 16,999 रुपये। तो प्राइस और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है दोस्तों फ़ोन, और यहाँ पे आपको बैटरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। अब बात करते हैं अपने ओपिनियन के बारे में। तो मेरा ओपिनियन यही है कि Xiaomi जो फ़ोन लॉन्च करता है वो प्राइस इसकी काफ़ी अच्छी रखता है और प्राइस और फीचर्स काफ़ी बढ़िया देता है। तो बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, इस प्राइस में आपको एक अच्छा फ़ोन देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।